हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ रितु। आज के वीडियो में हम एक और लेडीज़ की प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, फटी एरियो के बारे में बात करने वाले हैं। हम में से बहुत सारी लेडीज़ की ये प्रॉब्लम कॉमन है और बहुत सारी लेडीज़ का तो 12 महीने एरिया फटी रहती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, कहीं भी अपना पाँव नहीं दिखा सकते हैं। होता है ना ऐसा, मतलब जिनका जिनकी एड़ियों में क्रैक है उनको ये समझ में आता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो जी हाँ, ऐसा होता है और पता नहीं हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें नहीं ट्राई किया होगा। क्रैक हिल सबसे फेमस है इसमें। क्रैक क्रीम, क्रैक हिल, ये सारी चीज़ें फेमस हैं। कोटर हिल ये भी फेमस है और डॉक्टर भी कोटर हिल को रेकमेंड करते हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें सूट नहीं की। ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये इन प्रोडक्ट से फ़ायदा नहीं पड़ा। तो आज उन्हीं के लिए मैं कुछ घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ और जो आपको आपके एरियो को रियली में एकदम सही बनाएगा और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी है। मैंने खुद से यूज़ किया हुआ है तो मुझे काफ़ी वो रेमेडी पसंद है। मेरी एरिया भी सर्दियों में क्रैक हो जाती है बिकॉज ऑफ मैं सॉक्स नहीं पहनती, क्योंकि मुझे पाँव में हीट की प्रॉब्लम है तो मैं सॉक्स नहीं पहनती। तो सर्दी के मौसम में मेरी एरियों में थोड़ी थोड़ी दरार आ जाती है, तो मैंने वो नुस्खा ट्राई किया हुआ है तो सोचा आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो देखते हैं, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मैं रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती हूँ और लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो इस क्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए नींबू, अब चाहिए वैसलीन। ये 5 रुपये की वैसलीन है, आप चाहे तो बड़ा डब्बा ले सकते हैं। अब मैं इस वैसलीन को इसमें से निकाल कर मैं एक बाउल में रख रही हूँ। मैं ये 2 से 3 दिन की क्रीम बना रही हूँ। आप चाहे तो 7 दिन की बना के फ्रिज में रख सकते हैं, बट 7 दिन का ही बनाना, उससे ज़्यादा का नहीं बनाना। अब मैं इस वैसलीन में डालूँगी नींबू। मैंने 2 दिन का बनाया है इसलिए मैंने एकदम छोटा सा नींबू लिया है। और नींबू में ये होता है विटामिन सी, जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, हमारी एड़ियों के लिए भी अच्छा होता है। और वैसलीन तो ऑफ कोर्स पेट्रोलियम जेली है। अगर आप नींबू ना भी मिलाएं और पेट्रोलियम जेली को अपने एड़ियों पर ऐसे ही लगाएं तो वो भी वर्क करता है, बट नींबू डाल के तो ज़्यादा वर्क करेगा और जल्दी वर्क करेगा। अब इसे लगाना कैसे है देख लीजिए। इसे जस्ट आपको अपने फीट पे अप्लाई करके इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। कम से कम 5 मिनट मसाज ज़रूर करना, और ज़्यादा कर लो तो बहुत अच्छा। इसके बाद आपको सॉक्स पहन के सो जाना है। अगर गर्मी है, सॉक्स नहीं पहन सकते हो तो नॉर्मली आप सो जाओ, लेकिन पाँव को धोने की ज़रूरत नहीं है। पाँव धोने की ज़रूरत इस क्रीम को लगाने से पहले होती है। तो अभी आप देख सकते हो कैसे लगाना है। अब बाकी जो बची हुई क्रीम है मैंने इसी वैसलीन के डब्बे में स्टोर करके रख ली है, जिससे इसको मैं कल दोबारा लगा पाऊँ। तो देखा आपने, बहुत इजी रेमेडी है। कुछ सारी चीज़ें तो आपके घर में ही मिलती है, वैसलीन, नींबू, सब आपके घर में मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप लगाओ, आप यूज़ करो, 7 दिन देखो। यूज़ करके 7 दिन में आपको आपका मन चाहा रिजल्ट ऑफकोर्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद से देखा है और मुझे काफ़ी ये चीज़ बहुत पसंद आई है। तो एड़ियों पे वो लोशन लगाने से पहले ये ध्यान रखना कि एड़िया हमेशा साफ़ रहे। हमेशा रात को स्क्रबर से थोड़ा सा स्क्रब कर लेना एड़ियों को, जो डेड सेल होते हैं वो निकाल देना, ताकि जो क्रीम है अपना काम अच्छे से कर पाए। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके बिना बिल्कुल नहीं जाना। अगेन मैं बोलती हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, ताकि आप मेरी न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल पर अगर कोई आपको रिक्वेस्ट हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी जल्दी से जल्दी। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।